चीफ कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुटकी लेते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान इनके लिए बॉम्बे की फिल्मी दुनिया में जाकर मध्य प्रदेश का नाम रोशन कीजिए। वे इतने बड़े कलाकार हैं कि उनकी घोषणाएं कभी धरातल पर नहीं आती है, फिर भी वे अपनी घोषणाओं की कला का प्रदर्शन निरंतर जारी रखते हैं। 18 साल बाद उन्हें लाडली बहनों की याद आई है, इसके पहले उन्हें किसी की याद नहीं आई। छिंदवाड़ा के उबे गांव व सिहोरा में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि आज युवा बेरोजगार है, किसान उचित मूल्य के लिए परेशान है और महिलाएं सुरक्षित माहौल चाहती है जो प्रदेश में नहीं बचा है। और शिवराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने दिया क्या 18 साल में? आपने दिया क्या? भ्रष्टाचार दिया, बेरोजगारी दी, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, स्वास्थ्य व्यवस्था दी चौपट, शिक्षा व्यवस्था दी, और एक और चीज शिवराज सिंह ने दी, घर घर में शराब दी। ये 18 साल बाद उनको लाडली बहने याद आने लगती। 18 साल बाद चुनाव है, इतना तो लोगन दे दो उनको, अब कर्मचारी याद आने लग गए। शिवराज जी, आप हर 10 महीने घोषणा करते हैं कि मैं 1 लाख नए रोजगार दूंगा, मैं तो कहता हूँ ये छोड़िए शिवराज जी, जो रिक्त पद है उनको ही भर दीजिए, आप ये आप करिए। तो ये कलाकारी की राजनीति, ध्यान मोड़ने की राजनीति, इससे आप कब तक जनता को मूर्ख बनाएंगे? आपसे बढ़िया तो कलाकार नहीं है, मैं आपसे कंपटीशन नहीं कर सकता, आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तो शिवराज जयंती की कहता हूँ, इतने अच्छे कलाकार हैं आप, बंबई जाइए, वहां एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये आज मध्य प्रदेश की तस्वीर हमारे सामने है, जहां देखो तबाही, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। देखिए छिंदवाड़ा में तो लोग डरते हैं, छिंदवाड़ा की तुलना दूसरे जिलों से मत करिए, लोग डरते हैं यहाँ कि यार ये तो कमलनाथ हल्ला मचा देंगे, यहाँ बहुत डर। NBC News के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।